तो वो है वरना नहीं है तो आई विल बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ आई विल बिलीव इन द कोर्ट ऑफ ऑर्डर आई बिलीव इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस ब्ला यहाँ जब इन सब चीजों पे बिलीव करते ही नहीं है तो सिर्फ भरोसा ही है hmm. रिलेशनशिप भर... बस इसीलिए जब धंधा है लाइक जब तुम सक्सेसफुल इंसानों से धंधे के बारे में बात करोगे बोले भाई धंधा रिलेशनशिप से खत्म खत्म लाइक कि मैं हूँ कोविड hmm. हो या नहीं हो आपको मेरे से माल मिलेगा जब वो आ जाता है ना भरोसा तो फिर तो वो माल फटा हो नहीं हो महंगा भी मिल रहा हो ना हम लेंगे क्योंकि भाई पे भरोसा राइट तो वो सेठ जी that's, ने बोल दिया तो बोल दिया एंड दैट इज द मशीनरी दैट्स द सेम थिंग यू सी इन मोस्ट इमर्जिंग एंड फैमिली ओरिएंटेड कल्चर फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज दे हैव द सेम स्मेल ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड दैट्स वाई इफ यू अर्न ट्रस्ट यू उट क्या बात इट्स बट इट्स आई ऑलवेज इंडिया सब बोलते हैं ट्रस्ट डेफिशेंट सोसाइटी मेरे को लगता है कि ट्रस्ट डेफिशियंट नहीं है इनफैक्ट इंडिया में ट्रस्ट ज्यादा ही करते हैं बट आई लाइक दिस एनोलॉजी की ट्रस्ट डेफिशियंट है इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की बातें होती है एग्जैक्टली मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ के दूसरे पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं और वो इसीलिए शायद करते हैं क्योंकि दूसरी जगह धोखे खा चुके होते हैं तो नए लोगों पे करना उनको सोर्स ही नहीं है मतलब exactly. और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर मैं धंधा करना है मुझे तो मुझे सामने वाले पे ट्रस्ट करना ही पड़े पड़ेगा पड़े कि भाई मेरा माल ये अगर पहुंच गया इसको तो पैसे दे देगा एग्जैक्टली एंड मैं अगर ट्रस्ट से काम कर गया तो मैं जीत जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा मेरा माल सबसे बेस्ट होने की जरूरत नहीं है मुझे बस ये है कि अगर मैंने बोल दिया लाइक वाई वाई इज़ बॉम्बे द प्रोफेशनल कैपिटल एंड दिल्ली द पोलिटिकल कैपिटल बिकॉज बॉम्बे इज इज़ अ ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड ट्रेडिंग रिलाइज ऑन ट्रस्ट इट ऑन पावर इट ड मीन हु यू आर एंड वट यू डन एंड वे यू कम फ्रॉम वे यू स्टे वट मैटर्स इज कि आपने बोला कल माल मिल जाएगा और अगर मिल गया तो मैं आप पे भरोसा करूंगा तो यहाँ भरोसे भी कितनी चीजें होती हैं like, जब लोग बोलते हैं ना कि बॉम्बे इतना प्रोफेशनल है ना एक्सपीरियंस है क्योंकि hmm. दिल्ली से हूँ यहाँ जब लोग बोलते हैं ना कि कल तक काम हो जाएगा तो कल तक काम हो जाता है दिल्ली में बोलेंगे कल तक काम होगा फिर कल फ़ोन करेंगे नहीं परसों लड़का निकल गया है मैंने कहा आना ही होता होगा अच्छा हो जाएगा चलता है एंड यू जस्ट कीप ड्रैगिंग योर फीट एंड किकिंग द कैन लॉन्ग द रोड एंड दैट्स जस्ट अ वेरी पावर वाला राइट right? कि अगर मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मुझे अपना वर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है मैं तुझसे बड़ा रहूँगा

आपको मेरे टाइमलाइंस और गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा yes. आप कुछ भी हो इट्स ओके करेक्ट हो गए आप घर पर आप आओ एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट इट्स नॉट दैट देर अलावा कुछ आता ही नहीं पता दिस इज हाउ थिंग्स वर्क दिस इज हाउ थिंग्स वर्क जस्ट बिकॉज यू गुड विद योर वर्क इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो जाएगा या आप काम कर देंगे या आप जीत जाएंगे आप जिसको जानते हैं उसकी वजह से भी आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे सो देर इज अडेड लेयर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर कि आप किसको जानते हैं आप किस अहदे पे हैं आप कहाँ से किस किस तो से चलता है।, है ये तो ये सिटी आई डोंट थिंक कि पीपल आई मीन हम जैसे कि पॉलिटिकल पावर और बड़े वेजेस पावरफुल थिंग्स वर्क मोर इन डेली हंड्रेड परसेंट बॉम्बे में ऐसा होता है जो ज़्यादा मेरिट है mm. वहाँ पे ज़्यादा क्लिक होता है कि अगर आपने बोला एंड यू कैप्ट योर वर्ड दैन नेक्स्ट टाइम आपको वापस हो मिलेगा इधर लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आपने बोला कि आप दो बजे आओगे तो आप दो बजे पहुँच गए तो लोग वैल्यू करेंगे करें क्यू नो मतलब इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है बट द अदर थिंग विच यू सेंइंग विच इज़ आप किसको जानते हो लाइफ में mm. वो तो पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सेम चल वो है बट द डिफरेंस इज आप किस बेसिस पे किसी का ओपिनियन मानते हो या नहीं मानते हो तो वट आई थिंक इन दिस इज जस्ट माई सेंस की मेरिट बेस्ड ओपिनियन बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ ओपनिंग ऑफ द फनल तो राज अगर अंकुर से पूछता है यार कोई बढ़िया पॉडकास्ट कोच है क्या यू विल ओनली हियर मी आउट इफ यू ट्रस्ट मी टू बी गुड इन दैट पॉडकास्टिंग प्लेस अदरवाइज तो मुझसे पूछेगा भी नहीं और अगर मैं जवाब दे भी दूंगा यू विल नॉट गिव इट इनफ इंपॉर्टेंस लेकिन अगर मैं पावर गेम खेल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा राज वो है एंड तू उसी काम करेगा एंड देन यूल ऑलमोस्ट वी ऑब्लाइड्स टू डू इट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर यू ट्रस्ट माई वर्ड और नॉट यूर डूइंग इट बिकॉज यू ऑलमोस्ट है बट टू लिसन टू इट तो

दर्जे पर रखूंगा एज अगेंस्ट कोई और जो किसी दूसरी फील्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ थिंग विच यू गैन ट्रस्ट ऑल ओवर ट्रस्ट इज मै ऑल अक्रॉस आई डोट थिंक दी सोसाइटी दैट के नॉट फंक्शन विदाउट ट्रस्ट इट्स अ लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस यू अटैच टू इट एंड हाउ इट सुपरसीड्स इवन एट टाइम्स लॉजिक जहाँ पे पावर ड्रिवेन सिटीज हैं या सोसाइटीज हैं वहाँ पर बिकॉज समवन वन एल्स इज पावरफुल उसने जो बोलिया मुझे ऑप्शन ही नहीं है बट मानना पड़ेगा एंड जो ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोफेशनली ड्रिवेन सोसाइटीज हैं वहाँ पर मैं मेरिट के बेसिस पे ट्रस्ट करूँगा दूसरे को करेक्ट एंड देर कोड ऑफ कंडक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम है कि मुझे पता <laughs> है कि मैं इस इंसान को इस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकता हूँ लेकिन इस पर नहीं कर सकता अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो